हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्टील क्वांटिटी फॉर स्लैब। हमारा मेन बार है 12 mm का और इनके बीच की स्पेसिंग है 150 mm, और डिस्ट्रीब्यूशन बार है 8 mm का और इनके बीच की स्पेसिंग है 150 mm। हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्लैब बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। अब हम निकालते हैं, सबसे मेन बार इक्वल टू लेंथ बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। हमारा लेंथ है 5000 mm बाय 150 mm प्लस 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 34.33। इसे हम 34 मान लेंगे, हमारा नंबर ऑफ मेन बार लगेगा 34। डिस्ट्रीब्यूशन बार इक्वल टू एल बाय सी बाय सी प्लस 1। लेंथ है इसकी 2000 mm, स्पेसिंग है 150 mm प्लस 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, 14 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा हमारा 14 पीस और मेन बार लगेगा हमारा 34 पीस। अब हम मेन बार को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जितने नंबर ऑफ मेन बार लगने हैं वो और आपकी जितने डिस्टेंस में लगना है, जितनी चौड़ाई में लगना है उससे इनटू कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 68 मीटर। ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ निकाल लेंगे कितने मीटर लगना है, तो हमारा नंबर ऑफ बार इनटू हमारी लंबाई जो है उससे इनटू कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 70 मीटर। अब हम यूनिट वेट ऑफ बार भी निकाल सकते हैं। यूनिट वेट ऑफ बार इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 162। हम सबसे पहले 1 मीटर के बार का वेट निकाल लेंगे डी स्क्वायर बाय 162 से, तो हमारा आ जाएगा 0.89 kg पर मीटर। 12 mm के 1 मीटर बार का वेट आता है 0.89। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के 1 मीटर बार का हम वेट निकाल लेंगे, आता है हमारा 0.395 kg पर मीटर। अब हमारा जो वेट आया उसे हम टोटल मीटर से इंटू कर देंगे, हमारे मेन बार का टोटल वेट आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन वेट निकालने के लिए 0.395 को टोटल मीटर से इनटू कर देंगे, हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट आ जाएगा।